कोरोना वायरस की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि इससे बचना अब मुश्किल लगने लगा है। कई वीवीआईपीज भी इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। नागौर जिले से आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हनुमान बेनीवाल ने खुद को अपने ही घर में अलग कमरे में क्वारंटीन कर लिया है। अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद हनुमान बेनीवाल ने ही एक ट्वीट के जरिए दी है। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा कि कोविड 19 के लक्षण महसूस होने के कारण उन्होंने नागौर में अपना टेस्ट करवाया था, जिसके बाद उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हनुमान बेनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पत्नी कनिका की रिपोर्ट निगेटिव आई है। बेनीवाल ने अपील करते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों में जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। साथ ही बेनीवाल ने कहा कि जो लोग उनके काफी करीबी रहे हैं या उनसे लगातार मिलते जुलते रहे हैं वो भी क्वारंटीन में चले जाएं। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी से राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनके 2 पीएसओ भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। तीनों को जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ट्विटर के जरिए ही दी थी। उन्होंने भी अपने संपर्क में आने वाले लोगों को अपना कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी थी। राजस्थान में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश में अब तक 36,000 से भी ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 25,000 से ज्यादा लोगों का इलाज भी किया जा चुका है। राज्य में कोरोना वायरस के कारण 600 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। रोकथाम की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं और बीमारी फैलने की रफ्तार और तेज हो गई है। राजस्थान तक के लिए नागौर से हनीफ खान की रिपोर्ट।